नमस्कार, मैं ब्रजेश उपाध्याय संगीत नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जितने भी हमारे संगीत के शिक्षार्थी हैं, चाहे वो स्नातक स्तर के हों या स्नातकोत्तर स्तर के, उनके लिए बहुत ही एक रोचक विषय आज हम लेकर आए हैं और वो है हमारी जो भारतीय संगीत की जितनी ताले हैं उनको विभिन्न लयकारियाँ हैं, जैसे दुगुन है, तिगुन है, चौगुन है, उसमें किस प्रकार उनको लिखा जाए भातखंडे ताल पद्धति के अनुसार। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। तो सबसे पहले जब हमने लयकारी की बात करी तो उससे पहले भी आता है एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है लय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लय क्या होती है, लय होती है समय की एक समान गति जो है उसको हम लय कहते हैं, और संगीत में जो हम गति का प्रयोग करते हैं उसको हम लय कहते हैं। और इसको ऐसे समझें कि जैसे हम कुछ क्रिया करते हैं, संगीत हम मेनली यहाँ पे देखेंगे कि हम संगीत को लेकर चल रहे हैं, और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तालों की तो वहाँ पे हम ताल में हम समझ लें कि ताल में एक क्रिया है और दूसरी क्रिया है, उसके बीच की जो विश्रांति का काल है, मतलब उसके बीच में जो गैप है उसका जो समय है वो कितना है, और वो किस तरीके से वो जो पहली क्रिया का विस्तार है वो हमारा क्या है, लय कहलाता है। जो दो क्रियाएं हैं, जैसे हमने कहा कि एक मात्रा और दूसरे मात्रा के बीच में जो गैप है वो अगर हम देखें, हम उदाहरण के रूप में लें कि तीन ताल तो 16 मात्राएं हैं, और अगर 16 मात्राओं के बीच में बराबर का एक गैप हो और हम उसको करें तो वो हम उसको लय कहेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज का विषय है उसको समझने से पहले। और उसके बाद जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है हमारी लयकारी। और लयकारी क्या होती है, जैसे अभी हमने बताया समय की समान गति को हम लय कहते हैं, तो लयकारी से पहले हमें कुछ चीज़ें लय के संबंध में और समझनी है कि जो लय होती है, वैसे अगर इस तरीके से हम देखा जाए तो हमारे जो संगीत जगत है उसमें बहुत सी लय आपको देखने को मिलती है, लेकिन अब उन जितनी भी लय है उनको सबको एक साथ हम ऐसे देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए क्या किया, मुख्यतः हमें जो हमारे विद्वान हैं संगीत के, उन्होंने तीन लय डिफाइन करी हैं, और वो क्या क्या है, विलंबित लय है, मध्य लय है और द्रुत लय है। जैसे इनके नाम से ही बता रहा है कि विलंबित लय है कि एक मात्रा और दूसरी मात्रा के बीच में जो गैप है, जो काल है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। वही मध्य है, मध्य को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो नॉर्मल हमारा एक जो काम करने का एक स्पीड होती है, जो गति होती है, उसको हम मध्य लय के हिसाब से मानते हैं। और द्रुत जो भी होती है वो, जैसे आप द्रुत उससे कि जो फास्ट है, यानी कि पहली मात्रा और दूसरी मात्रा के बीच में जो गैप होगा वो कम होता चले जाएगा, वो द्रुत कहलाएगा। तो विलंबित, मध्य और द्रुत, ये तीन तरह से हमारी मेन लय आती है। तो इसको हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि लयकारी को समझने से पहले हम इसको लय को समझ लेते हैं कि जैसे हमने बताया समय की समान गति को हम लय कहते हैं। अब लय में इस तरह से हमारे तीन हम इनको मानते हैं, और तीन को किस तरह आधार पे मानते हैं कि मात्राओं के बीच में जो हमारा गैप चल रहा है, जो हमारा काल चल रहा है उसके हिसाब से। तो इसमें आप देखेंगे कि जो बताया अभी हमने, एक है विलंबित, एक है मध्य और एक है आपका ये द्रुत। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके लिए, इन तीनों लय को बताने के लिए कोई एक कोई बहुत ही क्लियर कट हमारे पास कोई गाइडलाइंस नहीं है कि ये विलंब, मतलब ये यहां से इसके बाद मध्य होगी, मध्य के बाद द्रुत होगी या विलंबित ऐसे होगी, ये कोई क्लियर सा डिफाइन नहीं है। जहां पर भी हम ये देखेंगे कि एक मात्रा और दूसरी मात्रा, जैसे अभी हमने उदाहरण लिया, माना कि कोई हम चार मात्रा का कोई उदाहरण ले रहे हैं, तो अब हम ये देखेंगे कि इन मात्राओं के बीच में जो हमारा समय आ रहा है, जो काल आ रहा है, वो बराबर मात्रा का होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि यहाँ पे एक मात्रा उसके बीच में हमारा 20 सेकंड का गैप, तो इसमें भी हमारा 20 सेकंड का गैप होना चाहिए, इसमें भी हमारा 20 सेकंड गैप, तो एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा और चार मात्रा।
तो ये अगर बराबर है तो हम इसको तब हम उसको लय में डिफाइन हम कह पाएंगे कि हाँ ये एक ऐसी लय चल रही है। अगर यहाँ 20 है, यहाँ 10 है और यहाँ 5 है, तो ये हम इसको लय के रूप में से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। और अब इसकी हमने जब बताया कि विलंबित लय को अगर हम परिभाषित करेंगे या हम समझने का प्रयास करेंगे, तो ये होगा कि 1 2 3 4, इन चारों मात्राओं के बीच में जो गैप होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा होगा। मध्य में आप ये समझें कि मध्य है, तो यानी कि मध्य किसका है, वो विलंबित और द्रुत का है। तो अगर हम एक तरीका लें कि ये अगर हमने बताया कि 20 सेकंड के अगर हम इसमें गैप दे रहे हैं और द्रुत में हम ये कह दें कि ये 20 मिनट का गैप है, मध्य में हम कह दें ये 10 सेकंड का गैप है और द्रुत के लिए हम कह दें कि ये 5 सेकंड का गैप। ये सिर्फ एक समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ये 20 सेकंड कोई पैरामीटर्स नहीं है, 10 सेकंड कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है, एक सिर्फ समझाने का प्रयास है कि किस तरीके से हम विलंबित मध्य और द्रुत को देखेंगे। ये सिर्फ एक समझाने के हिसाब से बता रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारी तीन लय डिफाइन की गई हैं उस जो हमारे विद्वान हैं उनके द्वारा, विलंबित मध्य और द्रुत, कि विलंबित में यानी कि एक मात्रा और दूसरी मात्रा, या हमको एक ताल ले रहे हैं, कोई भी चीज हम इस तरह से ले रहे हैं कि मात्राएं या कोई क्रियाएं आ रही हैं, तो उन एक जो हमने डिफाइन किया कि एक आवर्तन के अंतर्गत जितनी भी मात्राएं हैं उनके बीच में बराबर गैप होना चाहिए, तब हम उसको एक लय के रूप में देखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितना उनमें के बीच में हर एक मात्रा, दो मात्राओं के बीच में जितना गैप होगा वो ज्यादा होगा तो विलंबित, और मध्य में उससे ठीक आधी मानी जाती है और द्रुत में उससे भी और आधा उसका जो बीच का समय होगा वो और आधा माना जाएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो हमने, हमारा जो टॉपिक है आज का, वो लय कार्य। और जब हम लय कार्य की बात करते हैं कि इसका आधार भी लय ही है, और जब हम लय कार्य की बात करते हैं तो लय के विभिन्न दर्जे को दिखाने की जो प्रक्रिया है उसको लय कार्य कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ आपको ये समझना है कि जैसे हमने लय कार्य की बात करी कि हमने ये कहा कि लय के विभिन्न दर्जे, अगर आप जैसे हमने बताया विलंबित मध्य और द्रुत, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि विलंबित मध्य और द्रुत यहाँ पे हमारी तीन लय है, ये जो लयकारियां हैं ये तीनों में ही आपको समझ में आ जाएंगी। एक एक किसी को भी लेकर हम अगर समझाएंगे तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि तीनों के हिसाब से वो बातें चल रही हैं, कि विलंबित मध्य और द्रुत तीनों लय के हिसाब से। अब लयकारी है लय के विभिन्न दर्जे दिखाना, तो लय के विभिन्न दर्जे दिखाने का मतलब है कि अगर हम ये कहें कि जब हमने बात करी कि ये जो अगर क्रियाएं हैं या हम इनको कहें कि ये मात्राएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 मात्राएं हैं। अब इनके बीच में आप ये देखेंगे कि जब हम लयकारी की बात कर रहे हैं और हमने ये कहा कि लय के विभिन्न दर्जे दिखाने वाली बात है, तो इनके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट है कि बराबर का गैप रहेगा, यानी कि बराबर का समय रहेगा। और इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि हर एक जो मात्रा है उसमें अगर एक मात्रा आ रही है, यहां पर ये है मात्रा, अगर एक में सब में एक एक मात्रा आ रही है, ये समझे आप, तो ये है हमारी जो लयकारियां हैं, हमारी बहुत सी लयकारियां होती। तो सबसे पहले जब हम एक कहेंगे कि एक ये लय चल रही है, तो उस लय में हम ये देखेंगे कि अगर एक मात्रा में एक मात्रा आ रही है सब में, जैसे हमने 7 का, हमने रूपक का एग्जाम्पल ले लिया, अगर 7 मात्राओं में हर एक मात्रा में रूपक की एक मात्रा में एक मात्रा आ रही है, तो ये ठा की लयकारी है या बराबर की लयकारी है, इसको कहते हैं ठा या बराबर की लेता। तो जितनी भी ताले हमारी लिखी जाती हैं, जब हम उनको वैसे दिखाते हैं कि जैसे माना 3 ताल है, रूपक है, तो हमेशा वो था या बराबर की लयकारी में रहती है। अब जब हम उनकी बात करेंगे कि इसके बाद की हमारी कौन सी लयकारी होगी, एक तो हमारी ये आ गई लयकारी। अब इसमें भी क्या है कि लयकारियों के भी विभिन्न प्रकार हैं, ठीक है। तो लयकारियों के विभिन्न प्रकार में हम देखते हैं, एक पहले नंबर पे आता है हमारी सीधी लयकारी,
सीधी रेखाकारी में क्या आएंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया एक मात्रा यानी कि हर एक मात्रा में पूर्ण मात्रा है, चाहे एक आए चाहे दो आए या तीन आए, कि एक मात्रा, दो मात्रा में दो मात्रा, एक मात्रा में तीन मात्रा, इस तरीके से। इसको आप विशेष ध्यान रखें कि जब एक मात्रा आएगी तो ठा या बराबर की लयकारी होगी, एक मात्रा में जब दो मात्राएं आएंगी तो वो दुगुन की लयकारी होगी, अभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे भी, और एक मात्रा में अगर तीन मात्राएं आए तो वो त्रिगुण की है, एक मात्रा में चार मात्राएं आए तो वो चौगुण की है। इस तरीके से जब हम देखते हैं तो एक तो हमारे पास आती है एक सीधी लयकारी, जिसमें क्या आएगी आपकी आ या बराबर की लयकारी, दूसरी आती है आपकी दुगुन, तीसरी आती है आपकी त्रिगुण, ऐसी चौगुन, ये सीधी सीधी लयकारी है। सीधी का मतलब है कि एक मात्रा में एक पूर्ण मात्रा, एक मात्रा में एक, एक मात्रा में दो या तीन या चार, इस तरीके से। और इसी प्रकार से हम जो दूसरी की बात करते हैं, जब हम दूसरे की बात करते हैं वो होती है आड़ या आड़ी लयकारी। इसका अर्थ है कि एक मात्रा में हमेशा क्या रहेगा, पूर्ण एक मात्रा नहीं आएगी, या तो डेढ़ आएगी 1.5 या पौने दो या सवा गुना आएगी 1.25 या 1.7 पौने दो गुन, जिनको हम आड़ कुआड़ बियाड़ भी कहते हैं, इस तरीके से ये आड़ लयकारी, यानी कि एक में पूर्ण एक मात्रा नहीं आएगी। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है जब हम इसकी बात कर रहे हैं। अब यहां पर जब हम लयकारी की बात कर रहे हैं तो हमने ये एक विशेष ध्यान रखना है, और यहाँ पे हम एक चीज ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पे जो इस विषय में हम ले रहे हैं, आज के जो टाइटल है हमारा आज के विषय में, वो है कि लयकारियों को लिखना, और लयकारियों में मेनली हम यहाँ पे क्या क्या कवर करेंगे, एक ठा कवर करेंगे जिसको हम बराबर की कह रहे हैं, बराबर की क्या, बराबर की लयकारी। दूसरा हम करेंगे दुगुन, फिर हम करेंगे त्रिगुण, और फिर हम करेंगे चौगुण। ये जो आमतौर पे जो शुरुआत में हम लोग सीखते हैं, हम आज इस विषय में सिर्फ इनको हम कवर कर रहे हैं जो हम सीधी लयकारियां कह रहे हैं। इसके बाद 5 गुण 6 गुण 7 गुण भी होती है, लेकिन मुख्य तौर यह चीजें आती हैं, तो हम इसको समझ लेंगे तो 5 गुण 6 गुण वो भी आसानी से हमारी समझ में आ जाएगी, और जो हमारी आड़ की लयकारियां हैं वो अगले वाला जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इनको अब लिखना कैसे है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय है कि जब हम लयकारी की बात कर रहे हैं। अब लयकारी में जब हमने कहा कि था तो यहां पर एक दो तीन चार, इसको ऐसे समझिएगा, एक दो तीन चार, यानी कि ये मात्राएं हैं, एक दो तीन चार चल रही, इसमें सब में एक एक मात्रा चल रही। वहीं पर अगर हम दुगुन की बात करेंगे तो यही चल रही है, वहां पे क्या होगा 1 2 3 4, यानी कि ये ऐसे पेयर में आते चले। फिर हम अगर बात करते हैं त्रिगुण की तो वहां पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे करके भातखंडे, जिन्हें ये वो किया हुआ है भातखंडे तालव्य पद्धति में, कि जब हमें एक से ज्यादा बोल या वर्ड एक साथ दिखाने होते हैं तो इस तरीके से हम एक अर्धचंद्राकार नीचे से उनके नीचे लगा देते हैं। तो देखिए ये त्रिगुण है कि एक मात्रा, ये इसका डिनोट करता है कि एक मात्रा में आपकी एक दो तीन, हमेशा तीन तीन चलेंगे तो वो त्रिगुण की लयकारी होगी। फिर आपका आ गया चौगुण, चौगुण में कैसे चलेगा,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार, ये हमने इस तरह अर्ध चंद्राकार के रूप में इसको इसे दिखा दिया कि इसमें एक एक मात्रा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना है कि था या जो हमने कहा बराबर की जो लयकारी है उसमें हर एक मात्रा में एक एक मात्रा चलेगी, दुगुन में हर मात्रा में दो दो मात्रा चलेंगी, त्रिगुन में हर मात्रा में तीन तीन मात्राएं चलेंगी, अब और चौगुन में हर मात्रा में चार चार मात्राएं। और एक इंपॉर्टेंट है कि मात्राओं या मात्रा कह लें या हम कह लें वर्ण कह लें या हम उसमें बोल कह लें, तो उतने में एक मात्रा में एक वर्ण बोल एक मात्रा आएगी तो वो था, एक में दो मात्रा या बोल या वर्ण आ जाएंगे तो वो दुगुन, त्रिगुण के लिए वो अगर तीन आएंगे तो त्रिगुण, चार आएंगे तो चौगुण। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसको ताल के रूप में, जो हमारा आज का विषय है मुख्य रूप से, अब हम ताल के रूप में इसको किस तरीके से दिखाएंगे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पिछले व्याख्यान में हमने आपको तालों को लिखना ही बताया था कि भातखंडे जी ने जो बताया है कि तालों कैसे लिखा जाता है। तो यहां पर हम अब अभी जो है तीन ताल का उदाहरण लेंगे, तीन ताल 16 मात्रा है, विभाग है हमारे चार, ताली एक पांच और 13 मात्रा पे, और खाली है 9 पर, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब हम इसको लिखेंगे। अब जब हम ताल लिखते हैं तो आपको सबको पता है कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम ताल कोई लिखते हैं तो वो हमेशा ठा या बराबर की लय में होती है। जैसे हमने लिख दिया धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन ता ता दिन दिन धा। ये बहुत ही जो हमारी एक ताल कॉमन जो प्रयोग होती है वो तीन ताल है, ये सभी लोग जानते हैं। अब विभाग कैसे होते हैं इसमें, एक दो तीन चार के बाद विभाग, एक दो तीन चार यहाँ इसके बाद विभाग, एक दो तीन चार के विभाग। और जब हम इनके दिखाते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और ये आपको पता ही है कि पहली मात्रा पे हमने कहा ताली पहली मात्रा में है, तो पहली मात्रा में हमेशा ताली की जगह पे कहाँ पे क्या हम चीज किससे डिनोट करते हैं, सम होता है ताल का प्रारंभ, ताल की प्रथम मात्रा, तो हम इसको एक्स से डिनोट करते हैं। फिर पांचवी पे ये है तो दूसरी ताली संख्या दो, तो यहाँ पे हमने टू से डिनोट कर दिया। फिर 13 पे यहाँ पे नीचे आ गया 3 से, और खाली है 9, इसको हम खाली को शून्य से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं फिर से दूसरा आवर्तन जो धा, ये आप सभी लोगों को पता है। अब इसमें ये जो चीज हमने करी ये जब हम बता रहे हैं तो ये है आपकी था या इसको बराबर की लयकारी भी कहें। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अब इसकी दुगुन कैसे लिखी जाएगी। ये तो हो गई था, इसकी दुगुन के लिए हम क्या करेंगे कि दुगुन का मतलब है कि ये आएगी भी दोबारा, हर एक मात्रा में दो दो मात्राएं आएंगी या दो दो उसके बोल आएंगे तीन ताल के। तो हम क्या लिखेंगे, हम जो पूरी आपकी इसका लिखने का तरीका है, जो पूरी तीन ताल है उसको हम दो बार लिखेंगे, धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा
तिन ता ता दिन दिन दा। एक बार और दा दिन दिन दा दा दिन दिन धा धा तिन तिन ता ता दिन दिन धा। ये हमने दो बार आपकी ये लिख दिया। अब इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जब हम इसको एक मात्रा में दो मात्रा कह रहे हैं तो हम काउंटिंग करते हुए चलेंगे और इसको हम क्या करेंगे, दो दो मात्राओं को हम एक अर्धचंद्राकार से एक करते चलेंगे। ये दो ये दो ये दो ये दो ये दो ये दो, दो दो की हम ग्रुपिंग कर लेंगे इसमें दो दो। तो देखिए आप कितनी मात्राएं आ गई, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह। अब आगे सोलह मात्रा, अब हमें पता है कि इसके चार चार मात्राओं का विभाग होते हैं, तो चार मात्रा का ये विभाग ये विभाग ये विभाग और यहाँ पे धा, ये फिर से पहली मात्रा है। और जब हम इसको लिखेंगे, इसको पूरा अच्छे से आप देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा, कि जैसे हमने कहा कि चार विभाग हो गए, सोलह मात्राएं हो गई, उसके बाद ताली एक पांच और तेरह पे है, तो एक में ताली यानी कि सम, ताल की प्रथम मात्रा, ताल का प्रारंभ, इसको हम क्रॉस से नोट करेंगे। पांचवी यानी कि पांचवी ये है, इसको हम किससे करते हैं डिनोट, दूसरी ताली संख्या है तो दो से। उसके बाद नवी पे हमारा खाली है जिसको हम शून्य से डिनोट करते हैं, और तेरहवीं पे हमारी फिर से ताली यानी कि तीस ताली संख्या। तो ये क्या हो गई, तीन ताल की दुगुन लय। इसी प्रकार जब हम अगले उसमें आएंगे, अब वो है आपकी त्रिगुण। त्रिगुण कैसे लिखी जाएगी आपको वो करना है कि जैसे हमने दुगुण में इसको दो बार लिखा, अब त्रिगुण में हम इसको तीन बार लिखेंगे। अब हमने तीन बार आपकी तीन ताल लिख दी है, अब हम इसमें ग्रुपिंग करना शुरू करेंगे तीन तीन मात्राओं की, एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन। अब एक ये बच गया है, इसको एक प्लस यहाँ दो, इसको हम इस तरीके से प्लस कर लेंगे कि ये जो मात्रा है वो कहाँ है, वो इसके साथ है। फिर एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन, फिर यहाँ पे एक दो बच रहा है, इसको फिर प्लस कर लेंगे, ये इसके यहाँ एक कंटिन्यूशन में यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन और एक दो तीन, इस तरीके से। तो देखिए एक मात्रा दो मात्रा तीन मात्रा चार मात्रा पांच मात्रा, ये छठी मात्रा है, इसमें एक यहाँ पे है और दो इसकी मात्रा यहाँ पे, छ सात आठ नौ दस ग्यारह, इसमें एक इसकी मात्रा यहाँ पे, बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह। अब इसमें देखिए कैसे वो लगेंगे विभाग, एक दो तीन चार, चार के बाद एक भी, फिर एक फिर दूसरी यहाँ तक है तीन चार, फिर यहाँ पे एक दो तीन और चार, फिर एक दो तीन चार और उसके बाद धा जो सम है, फिर से पहली मात्रा। अब इसको कैसे दिखाएंगे, 16 मात्राएं आ गई, विभाग आपके चार आ गए और इसमें जो ताली है एक पे ताली है और वो जिसको हम सम कहते हैं, तो क्रॉस डिनोट कर दिया, पांचवी एक दो तीन चार ये पांचवी पे है, तो इसको मैंने ताली संख्या दो इस पे डिनोट करेंगे, पांच छ सात आठ यहां तक आ गई, नवी पे हमारी खाली है जिसको शून्य से प्रदर्शित करते हैं और उसके बाद फिर तेरह पे, यहाँ पे तेरह कहां का है यहाँ, इसको हम ताली संख्या तीन। तो ये क्या हो गई, तीन ताल की त्रिगुण लय।
इस तरीके से। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तिगुन में थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, दुगुन और चगुन थोड़ा सा तिगुन के मुकाबले इजी होती है। ये तीन तीन के गैप आपके इस तरीके से आ जाएंगे, तीन तीन के गैप नहीं, तीन तीन के आपके पेयर, तीन तीन मात्राओं के पेयर। अब यहीं पर हम जब इसकी चौगुन की बात करेंगे कि चगुन की लयकारी हम कैसे लिखेंगे, चगुन जैसे हमने दुगुन में बताया कि दो बार आपको तीन ता लिखनी, तिगुन में तीन बार, चगुन में हमें चार बार लिखनी पड़ेगी। अब आपने देख लिया कि हमने चार बारी तीन ताल लिख दी है। अब जब हमने चौगुन की बात कर रहे हैं तो जैसे हमने दुगुन में किया कि दो दो मात्राओं के पेयर बनाए, तिगुन में तीन तीन मात्राओं, तो इसमें हम चार चार मात्राओं के पेयर बनाएंगे। तो एक दो तीन चार, 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 चार एक दो तीन चार। मात्राएं ऊपर से लगाएंगे कि एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह। ये तीन ताल की सोलह मात्राएं हमारी हो गई। हर चार मात्रा का विभाग है तो सारे के सारे ऐसे एक दो तीन और चार, ये आपने विभाग लगा लिए। इसके बाद हम यहाँ पे धा लिख देंगे जो सम होगा। अब देखिए जो ताली है हमारी, एक पांच और तेरह पे होती है, एक मात्रा पे ताली, यानी कि हमारी सम ताल का प्रारंभ, फिर पांचवी पे हमारी दूसरी ताली संख्या दो, नवी पे इसको शून्य से प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पे खाली होती है, और तेरहवी मात्रा पे ताली संख्या तीन। इस तरीके से ये आपने देखा कि चौगुन की लयकारी ऐसे लिखी जाती है। तो जब भी आपके प्रश्न इस तरीके से आएगी तीन ताल की चौगुन लिख के दिखाएं तो आपको इस तरीके से लिखना है। ये एक तरीका है, इसका दूसरा तरीका भी होता है, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ ऐसे ही बता रहे हैं आपको, जो कि दुगुन तिगुन और हमने चौगुन लिखना सिखाया। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि तीन ताल एक ऐसी ताल है या कुछ तालें ऐसी होती हैं जिनमें एक मात्रा में वैसे एक ही है, आपकी वर्ण कहें या बोल कहें। एक मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, एक ताल है, ठीक है, एक ताल क्या है आपका, दिन दिन धागे तिरकित तू ना कत ता धागे तिरकित धी ना, ठीक है। इस पे आपने एक चीज गौर करी होगी, अभी आपको बताता हूं, आप गौर करिएगा। ये एक मात्रा है, दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह, एक ताल कितने मात्रा की है, बारह। अब इसमें आप देख रहे हैं तीन ताल में तो हर एक मात्रा में एक वर्ण या एक मात्रा या एक बोल आ रहा। इसमें आप देखेंगे कि धिन धिन और उसके बाद धागे में आपके दो वर्ण या दो बोल हैं इसमें, और यहाँ पे तिरकिट देखेंगे चार है। तो इस प्रकार की जितनी तालें होती है उनको कैसा लिखा जाएगा ये हम आपको बताएंगे। इसमें आपके ये बारह मात्राएं हो गई, विभाग इसके बताते हैं आपको, ताली और हर, ठीक है। अब इसमें कैसे कैसे हैं, एक दो तीन चार पांच छ, इसके विभाग कितने हैं, छ। और देखिए
ताली हम कैसे बता रहे हैं आपको कि पहली मात्रा पे ताली और तीसरी मात्रा पे खाली, पांचवी मात्रा पे ताली, सातवीं मात्रा पे खाली, फिर नवीं मात्रा पे ताली और ग्यारहवीं मात्रा पे। ये आपने देख लिया, तो एक, पांच, नौ और ग्यारह, एक, पांच, नौ और ग्यारह पे ताली। खाली कहां पे है? तीन और सात। ये आपने, और यहां पे धेन, ये फिर से पहली मात्रा है। ये आपने एक ताल का एग्जाम्पल लिखा, ठीक है। अब जब हम इसकी दुगुन की बात करेंगे तो वही हमें क्या करना है, आपको समझना है कि हम दुगुन की बात करेंगे तो दो बार लिखेंगे धेन। ठीक है, ये दो बार हमने आपकी आपके सामने दो बार हमने क्या लिख दिया है, एक ताल। अब इसको वही पेयरिंग जैसे हमने तीन ताल में करती, वैसे हम हर दो दो मात्राओं की पेयरिंग करते चलेंगे। तो एक दो, अब इसमें धागे दो दिख रहे, ऐसा नहीं है, एक दो और धागे त्रिकेटिक बनेगा, तूना एक बनेगा, कत्ता एक बनेगा, धागे त्रिकेटिक बनेगा। ठीक है, ऐसी धिन धिन धागे त्रिकेट, तूना कत्ता धागे धागे त्रिकेट धीना। ठीक है, तो इसमें कितनी मात्राएं होंगी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 और 12। इस तरीके से हर दो मात्रा के बाद विभाग हैं। ये आ गया, और पहले में सम, उसके बाद खाली, फिर यहां पे दो, फिर यहां पे फिर खाली, फिर तीन और चार, उसके बाद हमारा ये सम आ गया जो पहली बात। इस प्रकार अब आपको अगर ये धागे दिख रहा है तो ये पूरा एक मात्रा ही काउंट होगा। त्रिकेट चार इसमें वो दिख रहे हैं आपके वर्ण, या आप इसे कहें कि चार बोल से दिख रहे हैं, तो लेकिन ये कहे कि एक और दो हो गया। यहाँ पे आपको रखना है धागे एक मात्रा है, तो एक मात्रा की या दो मात्रा ऐसे करके पेयर रहेंगे, नहीं तो आपका पूरा ये दुगुन गड़बड़ हो जाएगा। इस तरीके से जब आप चगुन की बात करेंगे तो आप चगुन में क्या करेंगे, इस तरीके से आप चार चार के बना लेंगे। त्रिगुन में क्या करेंगे, आप तीन तीन मात्रा को एक दो तीन तीन बार लिखेंगे, तीन तीन के बना लेंगे। तो ये बहुत ही एक आसान है, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि जब एक मात्रा में एक मात्रा एक बोल या एक वर्ण आए तो आपको लिए आसानी होगी, लेकिन वहीं पर जब एक मात्रा में दो मात्राएं या दो वर्ण या चार मात्राएं, चार एक मात्रा में चार मात्राएं कह लें या वर्ण कह लें, कभी कभी मात्राओं में वैसे भी काउंट हो जाते हैं, या इसको बोल कह लें या वर्ण कह लें, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है ये एक काउंट एक ही होगी जो सीधी लयकारी है, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आज हमने ये सीखा कि जो भारतीय संगीत की तालें हैं उनको विभिन्न लयकारियों में कैसे लिखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।